वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज की कहानी का शीर्षक है समझदार चिड़िया। एक समय की बात है, एक इमली के पेड़ पे कई सारी चिड़िया रहती थी। एक दिन उस इमली के पेड़ के ऊपर उसकी जड़ के पास से एक लता उसके ऊपर चढ़ने लगी। वो जो समझदार चिड़िया थी उसने कहा अपनी बाकी साथियों को, अरे सुनो सुनो, इसको अभी के अभी नोच नोच के हटा देना चाहिए, वरना एक दिन ये लता हमारे घर तक पहुंच जाएगी और कोई हमें आके हानि पहुंचा सकता है। उसने कहा, किसी चिड़िया ने नहीं सुना, सब चुपचाप बैठे रहे, उसकी बात ही नहीं सुनी। थोड़े दिन ऐसे ऐसे बीतते गए, दिन बीतते गए और वो लता फैलती गई, ऊपर चढ़ती रही, मोटी होती रही, एकदम अच्छी होती रही। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो उसके घर तक पहुंच गई, वो चिड़ियों के घोंसलों तक पहुंच गई, एक शिकारी एक दिन आता है, उस जंगल में घूमता है। वो देखता है ये पेड़ मेरे लिए एकदम सही है, मैं इसी पे अपना जाल बिछाता हूँ, चिड़िया फंसेंगी और मेरा पेट भर जाएगा। वो उसी लता के सहारे, जो मोटी हट्टी कट्टी हो गई थी, उसी के सहारे ऊपर घोंसलों की जगह तक पहुंचता है और वहां अपना जाल बिछाता है। शाम को वो चिड़िया वापस लौटती हैं अपने घोंसलों में। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वहां जाल बिछा हुआ है, वो बैठ जाती हैं और उनको पता लगता है कि वो तो फंस गई हैं। अब वो अपने पंख फड़फड़ाती हैं दर्द के मारे, पर क्या हुआ, वो निकल नहीं पाई। अब वो समझदार चिड़िया, जिसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी कि जब लता छोटी थी उसी समय उसको काट देना चाहिए था, अब वो आराम से बैठी है, वो देख रही है उनको। अब बाकी उसकी जो साथियाँ थी वो पूछती हैं, तुम ऐसे आराम से क्यों खड़ी हुई हो, हमें बचाओ, हम यहाँ फड़फड़ा रहे हैं, हम दर्द के मारे रो रहे हैं और तुम आराम से खड़ी हुई हो, ऐसा क्यों? वो समझदार चिड़िया कहती है कि देखो, मैं तुम्हें ये समस्या बढ़ने के पहले से ही चेतावनी दे रही थी, तुमने किसी ने नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। अब सारी चिड़िया उसकी बात सुनती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें बताओ, हमारी रक्षा करो। तो वो समझदार चिड़िया कहती है कि शिकारी कुछ ही देर में वापस लौटता होगा हम सबको यहाँ से उठाने के लिए। अब तुम सब क्या करो, जितने भी चिड़िया जाल में फंसी हुई हो, लेट जाओ, ऐसे दिखाओ कि तुम मर चुकी हो। सारी चिड़िया वही करती हैं, शिकारी वापस आता है देखने के लिए चिड़ियों को। फिर शिकारी देखता है ये सारी चिड़िया तो मरी हुई हैं, सारी लेटी पड़ी हैं। शिकारी उनको उठाता है, नीचे फेंकता है, सारी चिड़िया उसी हालत में नीचे गिरती हैं। और जैसे ही वो आखिरी चिड़िया को उठा के फेंकता है नीचे, सारी चिड़िया 9-11 हो जाती हैं, उड़ती हैं गगन की ओर। और शिकारी देखता रह जाता है कि अच्छा छोरों पर ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समस्या को जब वो उत्पन्न होनी शुरू होती है उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए, वरना वो बहुत बढ़ जाएगी और आपको समय लगेगा उसको नष्ट करने में, उसको ख़त्म करने में, और मेहनत भी दुगुनी लगेगी, एकदम ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन चिड़ियों को लगी। इसी के साथ ये वीडियो, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे चलते चलते, धन्यवाद।